नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की पहली गुरु नीति का पहला एपिसोड, और जिसका टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मूल कंसेप्ट। मैं हूं विकास कुमावत और मेरे साथ है डॉक्टर रवि चांगे। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गुरु नीति में बेसिकली हम क्या करेंगे कि सिलेक्टिव टॉपिक्स लेंगे, और सिलेक्टिव टॉपिक्स में हर एक क्वेश्चन और उसके आसपास की जितनी भी बातें हैं वो सारी हम क्वेश्चन के साथ लपेटते हुए बाद में आगे बढ़ेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका पूरा चैप्टर जो है ना, कुछ क्वेश्चंस के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हर एक कंसेप्ट पर, गुरु नीति में हर एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया है, और अगर आप ठीक से गुरु नीति के सारे जितने भी हमारा जो 180/180 का जो टारगेट है, तो 180 गुरु नीति आप सारी कर लो ठीक से, तो भैया सीएलसी का आपसे प्रॉमिस है कि नीट में आपके कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर हम लोग जो है ये क्वेश्चंस इनको करें रिवीजन के लिए, तो हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, पूरा रिवीजन होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच HCl इज फॉर्मड इन द रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड है अपने पास, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले रवि सर, आप थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसे हम लोग हिंदी में हम लोग उसे सीमाकारी अभिकारक भी कहते हैं। जब भी कोई रिएक्शन करता है तो एक ऐसा हो सकता है कि कोई एक रिएजेंट जो है वो हमारे पास बहुत एक्सेस में हो, ज्यादा अमाउंट में, और एक कम है। तो जब हम रिएक्शन खत्म करते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो वो एक रिएजेंट कंप्लीटली यूज्ड हो जाए, दूसरा बच जाए। तो जो कंप्लीटली यूज होता है पूरी रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री, हम उसी से डिसाइड करते हैं, और उसे ही हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो भैया जैसे एक एग्जांपल, हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक जनरल एग्जांपल हम लिमिटिंग रिएजेंट पर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, 2A plus 3B is converting into 4C plus 2D, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी चेक करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिएक्टेंट है इनके मोल आपके पास होने चाहिए। कई बार जो है वो आपको मास दे सकता है, कई बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे सकता है, या इनका वॉल्यूम दे सकता है। तो आपको सबसे पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में उसको चेंज कर लेना है। तो इनके मोल जो है ना वो आपको चेक करना है। मान लो इसके मोल जो है वो आपको एक्स दे दिए, इसके मोल जो है वो आपको वाई दे दिए। तो अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्यों रवि सर, यही करें। तो गिवन मोल जो है वो एक्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो कितना है 2, इसका गिवन मोल वाई, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3। अब क्या करते हैं सर लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए? सर जो भी स्मॉलेस्ट अमाउंट होगा, अब इस रेशियो में से जो भी कम होता है, कि अगर एक्स बाई 2 इज लेस देन वाई बाई 3, इन दिस केस ए विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ए विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ए जो है वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, है ना रवि सर? बिल्कुल। और अगर जो है वो मैं कहता हूं कि x by 2 is greater than y by 3, in this case b will be limiting reagent, और अगर सब दोनों ही अगर बराबर आ जाए तो इस केस में क्या होगा? तो सर इसका मतलब वो completely, दोनों ही completely consume हो जाएंगे, दोनों ही completely consume हो जाएंगे, यानी दोनों ही limiting reagent है। अच्छा, जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको उसे एक्सेसिव रिएजेंट बोला जाता है। तो हमें जो है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही काम करना है। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊं, तो इसमें जो है वो एक रिएक्शन करवानी है अपन को, किस किस के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो रिएक्शन होगी अपने पास H2 + Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HCl। तो गिवन जो है वो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं, इसका गिवन है 100 ग्राम, बिल्कुल, दूसरा भी 100 ग्राम, दूसरा भी 100 ग्राम है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल मैं निकाल लेता हूं, इसके मोल कितने आएंगे, 100 बाय 2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसके लिए 100 बाय 71, ठीक है। तो हमें क्लियरली यहां से दिख रहा है कौन सा कम है इसमें से। अच्छा, ये तो मोल आए हैं, अब मोल के बाद में हम क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये तो अपने पास 50/1, और ये जो है वो 100/71/1, तो ये ही कम है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही अपने पास में लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो मींस क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, अपना क्लोरीन जो है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो भैया हम जो है क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं,
तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो गलत हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सेकंड इज क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगेन ये गलत हो गया। फोर्थ वन इज क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अपने पास कि HCl का अमाउंट कितना बनेगा, तो सर HCl का अमाउंट इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सर, देखो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, H2 plus Cl2, और ये क्या बना रहा है, twice of HCl का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो सर अभी अभी आपने जो है Cl2 के मोल्स बताए थे हमें, 100/70 बिल्कुल 100/71 बिल्कुल आए थे। तो यहाँ से सर बहुत सिंपल सा कि क्लोरीन अपन ने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके जितने मोल्स बनेंगे वो भी हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है। तो अगर इसके मोल है तो ये अपने पास में ट्वाइस मोल्स हो गए, तो मतलब इसके अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करूँ तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ 200/71। ओके सर, ये इसके मोल्स है। और सर हमसे जो वैसे अमाउंट पूछा है तो हम लोग सिंपल इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस मतलब 200/71 HCl का जो मोलर मास है it's 36.5. okay, so if we calculate it it would be around 2102, I think 102 102 के आसपास आएगा। बिल्कुल सर, तो 102 के आसपास जो अपने पास सेकंड ऑप्शन ही है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन का सार ये है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अपने पास रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो स्टोइकियोमेट्री और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनता है। एक्सेसिव रिएजेंट जो है ना वो प्रोडक्ट को डिटरमाइन की प्रोडक्ट की कितनी मात्रा बनेगी कितना अमाउंट बनेगा ये एक्सेसिव रिएजेंट डिटरमाइन नहीं करता, ये लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म होता है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, यहाँ पे तो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि कितना एक्सेसिव बचा, ऐसा क्वेश्चन जो है वो अपन ने इसमें डाला, आगे अपन चेक करते हैं उस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो ये है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर Na2SO4 मस्ट बी एडेड टू 250 ml ऑफ 1 मोलर BaCl2 टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ BaSO4। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो अपने पास क्या होगी, देखना कि Na2SO4 और साथ में जो है वो क्या मिलाना है इसमें BaCl2 मिलाना है और इससे बनेगा क्या अपने पास BaSO4 बनेगा और साथ में जो है बिल्कुल इसी का व्हाइट पीपीटी बनेगा और साथ में NaCl जो है वो अपने पास बनेगा, ये रिएक्शन होगी। बिल्कुल, अब हमें ये बोल रखा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ इसका जो है वो गिवन क्या है, आपको गिवन है इसका 5 मोलर और इसका वॉल्यूम जो है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, एडेड टू 250 ml, इसका जो वॉल्यूम है वो आपको दिया है कितना 250 ml और इसका जो है मोलरिटी 1 मोलर दिया है टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ BaSO4, इसका जो है वो 10 ग्राम मेरे को बनाना है। ठीक है सर, एक तरीके से ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया अभी जो हमने किया। बिल्कुल ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हम इसको क्वेश्चन को कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको मोल कंसेप्ट से कर सकते हो, चाहे आप इसको रेडॉक्स के तरीके से भी कर सकते हो, इसमें जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो है वो हम क्या कर सकते हैं इसके मोल निकाल के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट से ही सॉल्व करते हैं। देखिएगा सर, देखो सर बच्चों हमें क्या दे रखा है Na2SO4 और BaSO4, बहुत डायरेक्टली मोल कंसेप्ट लगा देते हैं कि इसके जो मोल्स होंगे और इसके BaSO4 के जो मोल्स हमारे पास बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके एक मोल से उसका एक मोल बन रहा है और हमें पता है कि मोल्स अगर हम लोग निकालते हैं मोलरिटी एंड वॉल्यूम से तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम हमें मोल्स बता देगा। ठीक है, तो देखो सर हम लोग यहाँ पे Na2SO4 के अगर मैं मोल्स लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5। ठीक है, मोलरिटी है इसकी इनटू वॉल्यूम लीटर में लेते हैं हम लोग जनरली, लेकिन अगर चलो ठीक है ये लिया और इसके जो मोल्स होंगे मेरे पास में वो 10/234 इसका मोलर मास है BaSO4, लेकिन हमसे जो यहाँ पे पूछा है वो ml में पूछा है, ऑप्शंस भी ml में दे रखा है तो लीटर को ml में चेंज कर सकते हैं। तो ये 5 × V/1000 अभी ये ml में आ चुका है, इट इज इक्वल्स टू 10/234, यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो ये हो गया 1000 × 10 शामिल कर लिया और इनवर्स कर लिया, मतलब उधर से इधर आ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि टू एलिमेंट्स एटॉमिक वेट एक्स एटॉमिक वेट 16 एंड वाई एटॉमिक वेट 14 combine to each other to form compound ABC. In compound ABC, the ratio of mass of Y
that combined with fixed mass of x is 1:3:5 respectively. If 32 gram of x combines with 84 gram of y to form compound B, then in compound C, 16 gram of x will combine with. तो सर ये क्वेश्चन जो है वो किसी लॉ से रिलेट कर रहा है, कौन सा लॉ हो सकता है? बिल्कुल, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि मान लो हमारे पास कोई दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है? तो दो एलिमेंट ए और बी आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। मान लो दोनों ने मिलकर जो है वो एक कंपाउंड बना लिया एक्स और एक कंपाउंड बना लिया वाई। अब एक्स जो होगा इसमें भी ए होगा और बी भी होगा, यहां पर भी ए होगा और बी भी होगा। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप क्या करोगे कि मान लो ए या बी में से किसी एक का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स कर दो, तो भैया दूसरे का जो मास होगा ना, जो इस फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा, वो आपस में सिंपल रेशियो में होगा। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल अपन और ले ले तो ज्यादा बेटर है। जैसे AB2, AB3 अगर हम लोग अपन जो है वो AB2, AB3 के अलावा अपन यहाँ पर जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक तो बनाते हैं H2O और एक जो है वो कंपाउंड H2O2 देख लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ये इसके 16 ग्राम के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और ये इसके जो है कितने के साथ 32 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को क्या कर दो आप, फिक्स कर दो। जैसे हाइड्रोजन का ऑलरेडी फिक्स है 2 ग्राम और 2 ग्राम, ठीक है? तो दूसरे एलिमेंट का वो मास जो दोनों में इसके फिक्स मास के साथ जुड़ेगा वो आपस में सिंपल रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 16:32, ठीक है? तो ये कितना जाएगा अपने पास, 1:2 आएगा, जो कि एक सिंपल रेशियो है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही अप्लाई करना है। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, देखिए टू एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, एक्स एंड वाई दे रखा है, ठीक है? और वो कंपाउंड्स बना रहे हैं ए बी सी, तीन कंपाउंड बना रहे हैं। तीनों में एक्स प्लस वाई, एक तो ए बना, एक बी बना और एक सी बना, ठीक है? और तीनों में ही हम लोगों को कह रखा है the ratio of masses of y that combined with the fixed mass of x, मतलब x का मास हमें fixed दे रखा है और y का जो मास है उनका ratio दे रखा है 1:3:5। यानी यहाँ पर ऐसा है x और y, तो इसका मास तो fix कर दिया, तो इसका जो ratio होगा वो 1:3:5 और ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक है? तो अब आगे आपको बोल रहा है, देखिएगा कि 32 ग्राम ऑफ x combined with 84 ग्राम ऑफ y टू फॉर्म कंपाउंड बी, यानी कि इस कंपाउंड में, ठीक है, x का मास तो कितना है 32 और y का मास कितना है 84 है, ठीक है? तो फिर आगे बोल रखा है कि इन कंपाउंड c 16 ग्राम ऑफ x विल कंबाइन विद, तो यहां पर जो है ना x का 16 ग्राम दे रखा है और y का मास आपको निकालना। आप सोचो जरा इसमें क्या होगा कि इसमें 32 ग्राम जो है वो 84 के साथ जुड़ रहा है और यहां पर 16 ग्राम कितने के साथ जुड़ेगा ये पूछा है। तो इसके लिए सर पहले अपन को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं ये कर देता हूँ कि अगर इसका 16 होगा तो उधर कितना हो जाएगा 42, तो यानी यहाँ पर 16 होगा तो यहाँ पर 42 होना चाहिए। तो अब ये 42 और ये वाला मास जो है इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:5। तो मान लो मैं 42 और दूसरा मास x है तो इनका रेशियो 3:5 होना चाहिए, ठीक है? देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 × 5/3, क्यों सर? तो ये जो अपने पास कितना आ जाएगा 70 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा सर, द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट्स विद Cu टू गिव आयरन एंड Cu2। Fe2O3 जो है वो Cu के साथ में कंबाइन होकर Fe एंड Cu2 ये बना रहा है, हमें रिएक्शन भी दे रखी है। द रिएक्शन ऑफ 480 ग्राम ऑफ Fe2O3, Fe2O3 का मुझे वेट दे रखा है 480 ग्राम, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Cu, मतलब साफ-साफ कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट Fe2O3 है। एक्सेस ऑफ Cu यील्ड 252 ग्राम ऑफ आयरन, थस परसेंटेज यील्ड ऑफ Fe इज, ठीक है? मतलब Fe की परसेंटेज यील्ड हम लोगों से पूछिए। सर पहले परसेंटेज यील्ड के बारे में कुछ बता दीजिए। परसेंटेज यील्ड यही होता है कि अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का कि वो कितना अमाउंट बन रहा हो, सकता है कि मैंने कोई कंपाउंड स्टार्टिंग में लिया वो इम्प्योर हो मेरे पास में, तो उसमें उस कंपाउंड की कितनी प्योरिटी है वो डिटरमाइन करने के लिए जनरली हम लोग परसेंटेज यील्ड यूज करते हैं। तो जो भी मेरे पास में अमाउंट परसेंटेज यील्ड अगर किसी भी कंपाउंड में कितनी है ये अगर डिटरमाइन करनी है तो वो अमाउंट मेरे पास में कितना ऑब्टेंड हुआ है, हमें कितना मिला है,
एक्चुअल ऑप्टेंट, एक्चुअली ऑप्टेंट, प्रैक्टिकली ऑप्टेंट, ओके, और नीचे थ्योरेटिकली ऑप्टेंट आ जाएगा। थ्योरेटिकली जो भी मतलब मुझे वैल्यू दे रखी कि मैंने स्टार्टिंग में इतना बल्क लिया, थ्योरेटिकली जो भी है, तो थ्योरेटिकली ऑप्टेंट जो भी है वो हम लोग नीचे रखेंगे इनटू 100। एक तरीके से बहुत सिंपल बोलूं तो जैसे हमारे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो मार्क्स जो होता है कि वो 200 का 400 का पेपर है, तो वो तो हमारे उतने नंबर आने चाहिए, लेकिन आते नहीं, आते नहीं है, तो वो तो थ्योरेटिकल हो गया। और जो हमारे एक्चुअल नंबर आ रहे हैं वो तो जितना वो भी चेक होने के बाद, ओएमआर चेक होने के बाद पता चलेगा, बिल्कुल वो आ गए, तो वहीं से हमारी परसेंटेज निकल के भाई, तो यहां भी वही लगा ऐसे। जैसे एक सिंपल सा इसका एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मेरे पास जो है वो CaCO3 है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, क्यों सर, तो बनेगा CaO और CO2, ठीक है। अब मेरे पास जो है मान लो इसका 200 ग्राम का एक सैंपल था, मैं सैंपल की बात कर रहा हूं, और सैंपल का मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटीज है, ठीक है, और मान लो इसमें 200 ग्राम में से ये वाला जो 100 ग्राम है, बाकी 100 ग्राम की इंप्योरिटीज है, तो जब हीट करेंगे तो जो भी CO2 बनेगी ना वो हमेशा एक्चुअल रिएक्टेंट से बनती है, वो इससे बनेगी, 100 ग्राम से बनेगी, ना कि 200 ग्राम से, ठीक है। तो अब परसेंटेज प्योरिटी जो है वो इसकी कितनी है, 50% हो गई। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था अपने पास, बनेगा कितना, तो इसका एक मोल, 100 ग्राम का मतलब एक मोल, तो इसके एक मोल से इसका जो एक मोल बनेगा, एक्चुअल प्रोड्यूस इतना होगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि भैया प्रोड्यूस जो है ना वो एक्चुअल प्रोड्यूस इतना होगा जबकि 200 ग्राम से दो मोल बनना चाहिए था, तो 50% ही मिला, यानी कि एक तरीके से किसी भी रिएक्शन का आउटपुट जो होता है ना उसको हम परसेंटेज यील्ड बोलते हैं, क्यों सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है अपन उसकी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो एक रिएक्शन करवा रखी है, रिएक्शन है भैया Fe2O3 और साथ में CO दे रखा है, इज कन्वर्टिंग इट टू 2 iron + 3 CO2, ओके, और इसमें जो है वो मास इसका गिवन है कितना, 480, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, तो मोलर मास इसका 160 आ जाएगा, 3 मोल, तो 3 मोल इसके आ गए, ठीक है। तो देखो जरा कि अब आपको बोल रहा है कि आयरन का कितना मिला, आयरन का मिल गया मेरे को 250, तो इसके मोल निकाल लेता हूं, तो इसके मोल 252/56, आयरन का 56 होता है। तो अब देखना जरा कि आप सोचो जरा कि इसके एक्चुअल प्रोड्यूस जो है ना, ये तो है एक्चुअल प्रोड्यूस, एक्चुअल प्रोड्यूस, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि थ्योरेटिकली प्रोड्यूस कितने होंगे, आप सोचो इसके एक से इसके दो बनते हैं, तो इसके तीन से इसके कितने बनने चाहिए, सिक्स बनने चाहिए थे, तो यानी कि थ्योरेटिकली प्रोड्यूस मोल कितने हैं, सिक्स है। तो अब मेरे को क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, भैया देखो जरा थ्योरेटिकली तो मेरे को कितने मिले, 252/56, और एक्चुअल प्रोड्यूस जो है वो कितने, थ्योरेटिकली कितने बनने चाहिए थे, 6 बनने चाहिए, तो एक्चुअल प्रोड्यूस और मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 75% आएगा। तो भैया 75% यानी कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, उसका 75% ही आपको मिला। तो ये है भैया अपने पास परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन। और सर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को चाहें तो रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि मैं जो है Fe2O3 का अमाउंट जो है वो निकाल लूं, ठीक है, और मुझे टोटल अमाउंट दे रखा है कि इसका 480 है, तो एक्चुअली काम कितना आया, हां एक्चुअली काम कितना, एक्चुअली काम कितना आया, उससे मैं उससे भी परसेंटेज मोल कंसेप्ट में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके, बिल्कुल, मतलब कान ऐसे पकड़ो कि घुमा के पकड़ो, लेकिन अपन को एग्जाम में घुमा के नहीं पकड़ना भाई, अपन को जो शॉर्ट तरीका है वही काम में लेना है, क्योंकि टाइम बचाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टेकन, ओके, तो 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू इट एंड केमिकल रिएक्शन अकर्स, ओके, 1.435 ग्राम ऑफ AgCl एंड 0.85 ग्राम NaNO3 आर फॉर्मड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इलस्ट्रेटेड, लॉ से रिलेटेड इक्वेशन पूछ रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसके बारे में। बिल्कुल सर, ये तो हमें साफ साफ दे रखा है कि हमें रिएक्टेंट जो है उनका अमाउंट दे रखा है, प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखा है और पूछा है, तो हम लोग दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। बिल्कुल सर, हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास कंजर्व रहता है, ये तो लगता है कि ये सोचना ही नहीं है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे देना वहां पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो लगता ही है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं पर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे दे तो वहां पर मास कंजर्वेशन लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, वहां पर नहीं लगेगा, तो इसमें जो है वो आंख बंद करके आपको जो है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये तो लगेगा ही लगेगा।
और बाकी सारी चीजें जो अगर बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये तो आपको ये कहता है कि भैया कोई भी कंपाउंड है तो किसी कंपाउंड को आप चाहे किसी भी सोर्स से बना लो, अलग अलग सोर्स से आप उसको कलेक्ट कर लो, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसके जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात अभी अपन ने करी, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इस पर भी अपन आगे एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आई थिंक इनको अगर हम लोग ऐड कर दें कि सिल्वर मेरे पास में 1.7 है और 0.585 ग्राम ये सोडियम क्लोराइड है, ये तो मेरे पास रिएक्टेंट हो गए, इनको ऐड कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है 1.435 और 0.85 ग्राम, इनको ऐड कर लेते हैं तो दोनों सेम आना चाहिए, और अगर आ भी रहे दोनों को ऐड करोगे तो 2.285 लगभग रिएक्टेंट और वही प्रोडक्ट है, तो दोनों का अमाउंट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर of NO2 and N2O4 is 38.3 at 27 degree centigrade with respect to hydrogen, taking as 1. Thus, number of moles of NO2 in 100 gram of mixture is. क्या होता है सर वेपर डेंसिटी, किसको बोलते हैं, क्या होता है थोड़ा सर वेपर डेंसिटी? तो हम लोग सिंपल सा ये कहते थे कि इसको H2 के साथ में रिलेट करते हैं, कि जो भी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग देखें तो वेपर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, या फिर वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है, गैस की डेंसिटी है, वो लेते हैं हम लोग। यानी अपन ऐसा करते हैं, जैसे अगर हम डेंसिटी की बात करें ना बच्चों, तो डेंसिटी जो है ना वो अपने पास दो तरीके की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एंड सेकंड वन इज वेपर डेंसिटी। ओके, सेकंड वन इज वेपर डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, कि डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं, तो ये तो अपने पास हो जाता है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और यूनिट इसकी जो भी आप निकाल चाहो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, या फिर गैस के लिए हम ग्राम पर लीटर ले सकते हैं, तो ये अपने पास एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। जबकि ओके, ये वेपर डेंसिटी नहीं, सेकेंड वन इज रिलेटिव डेंसिटी बोलना ज्यादा सही रहेगा पहले, तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, दो डेंसिटीज को कंपेयर करते हैं। तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको कहीं निकालनी हो, तो मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए विद रेस्पेक्ट टू गैस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ गैस ए, डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी, लेकिन इन दोनों का जो टेम्परेचर प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी यहां पर अगर टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, तो यहां पर भी टेम्परेचर टी और प्रेशर पी होगा। ठीक है, तो अब देखना जरा, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? तो क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, ये डेंसिटी, तो ये जो है वो हमेशा क्या होती है, यूनिटलेस। तो अगर वेपर डेंसिटी को देखें, तो वेपर डेंसिटी में हम नीचे वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेपर डेंसिटी के केस में, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी अपने पास होती है भैया डेंसिटी ऑफ गैस एट पी प्रेशर टी टेम्परेचर, और नीचे अपने पास आ जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर। अब किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो हम निकालते हैं पी एम अपॉन आर टी से, क्यों सर? PV इक्वल टू nRT को डेंसिटी के टर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं। तो मान लो वो गैस जो है ना, उसके लिए जो वो डेंसिटी है भैया PM, M जो गैस का मोलर मास है, अपॉन RT, डिवाइड कर दूंगा इसको हाइड्रोजन की डेंसिटी से, तो प्रेशर P है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, R और टेम्परेचर T है, ये चीजें जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है, तो हमारे पास जो क्या आएगा निकल के M/2। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, हमेशा मोलर मास की आधी, मोलर मास बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी, कोई यूनिट इसकी नहीं होती, बिकॉज दिस इज ए रिलेटिव डेंसिटी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा सर, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 इज 38.3। ओके, तो यहां से क्या आ सकता है अपने पास, हमारे पास में ये एवरेज मास हम एक तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, यहां एक कांसेप्ट और आ गया, अच्छा कांसेप्ट है m एवरेज का, तो m एवरेज भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। m एवरेज जो है वो क्या होता है, देखना जरा, कि अगर कोई इंड्यूजुअल गैस है, तो इंड्यूजुअल गैस के केस में तो हम बात करते हैं भैया मोलर मास की, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई गैसेस मिक्सचर दे दे, तो गैसेस मिक्सचर मान लो आपको जो है वो O2 हाइड्रोजन, इसका मिक्सचर दे दिया, O2 और हाइड्रोजन का मिक्सचर दे दिया,
तो अब इसका मोलर मास जो है वो हम लेते हैं 32, इसका जो है वो कितना लेते हैं 2। अब आपको पूरे मिक्सर की एंटायर मिक्सर का मोलर मास कितना ले, तो इस केस में आपको इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। और भैया यहाँ पर एम एवरेज निकालने का तरीका जो है ना वो क्या होता है, एम एवरेज निकालने का तरीका होता है भैया टोटल मास ऑफ मिक्सर अपॉन टोटल मोल्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एम एवरेज। क्लियर बात? तो अब यहां से पहले तो मैं एम एवरेज निकाल लेता हूं। क्यों सर? तो एम एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 38.3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो अब देखना जरा कि टोटल मास ऑफ मिक्सर तो आपको गिवन है कितना है सर, टोटल मास 100। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें अपने पास, एक तो आ गया NO2, 100 में NO2 भी है और N2O4 भी है। तो भैया मोल निकालने के लिए सर मेरे को 100 में से मैं मान लेता हूं इसका मास x है और इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो टोटल मोल निकालने हैं तो मास गिवन मास अपॉन मोलर मास NO2 का कितना होता है सर 46 और इसका कितना होता है 92। तो ये मेरे पास इनके मोल आ गए 92। तो डिवाइड कर देता हूं इसको x अपॉन 46 प्लस 100 माइनस x अपॉन 92। ठीक है, तो यहां से जो है वो आपको क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहां से अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20। यानी कि जो टोटल मिक्सर है उस मिक्सर में 20 ग्राम तो NO2 है और N2O4 जो है वो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। बिल्कुल, लेकिन 20 आंसर नहीं, कई बार यहाँ पर पहला ही ऑप्शन 20 मिलता है और अपन जल्दबाजी करके गलत कर देते हैं। आपको तो मोल पूछा है, तो मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए सर ये दे रखा है हमें 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 46, मोलर मास NO2 का 46 कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा 0.43 मोल। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था भैया अपने पास किसका, इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट लग रहा है, साथ में इसमें एम एवरेज यानी मिक्सर का जो एवरेज मोलर मास है उसका भी कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। बिल्कुल, सिग्निफिकेंट फिगर्स सर हम लोग जनरली जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है उन सब में यूज करते हैं और मोस्टली इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यू तो हम लोग बहुत प्रिसाइज ले लेते हैं, बहुत एक्यूरेट ले लेते हैं काफी ज्यादा डेसिमल्स में, और कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो हम लोग उतना अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि भैया जैसे 2. कई बार तो हम जो है वो 2.34 पूरा एग्जैक्टली लिखते हैं, कई बार जो है वो 2.34 की जगह 2 ही काम में ले लेते हैं। बिल्कुल, इससे मतलब रिजल्ट की जो एक्यूरेसी बताने के लिए जो हम बेसिकली काम में लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कुछ रूल्स है, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग रूल्स है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग रूल्स है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल्स है। कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट होगा कौन सा नहीं होगा इसके लिए भी जो है कुछ रूल्स है, कुछ तो पहले वो रूल आपको पढ़ने हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल सर थोड़ा सा बता दीजिए आप, चारों रूल एडिशन मल्टीप्लाई। हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करते हैं तो लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है ओवरऑल उसको देखते हैं, हमारा जो भी आंसर है वो उतने ही फिगर्स में आना चाहिए। जैसे कि अगर सर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे मेरे पास में 5 है, ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 है, ओके, मतलब यहाँ पे मेरे पास में 4 है, तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है, जैसे अच्छा, अच्छा, 3 है ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लोवेस्ट है, तो मेरा आंसर भी मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना है, यानी आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए भले मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा जो करना है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है वो इसका आंसर आएगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें 4 है, उसमें 4 यानी सेकंड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, और चेक करते हैं ये अगेन ऐसा ही क्वेश्चन। अच्छा सर, इसमें एक रूल और है कि जो अपने पास कंप्लीट डिजिट होता है इसको जो है वो शामिल नहीं करते इस रूल पे, है ना, तो इसमें जो जैसे 4 है तो इसके जो है वो आंसर में भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, वही हमें एग्जैक्टली डिटरमाइन करना होता है। इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, तो लास्ट वाला तीसरा वाला और चेक करना पड़ेगा। अब ऐड का क्या रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि हम लोग यहाँ पे डेसिमल के बाद में जो है डिजिट्स को देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हम लोग, डिजिट्स देखते, डेसिमल के बाद डिजिट देखने, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स है, ओके, 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है, आंसर मेरा जो आंसर होगा वो भी मुझे डेसिमल के बाद में 4 डिजिट। अच्छा, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट, अगर मान लो मेरे पास में 3 ही डिजिट होती है डेसिमल के बाद में और किसी में 4 डिजिट होती है तो मुझे आंसर फिर 3 ही डिजिट में देना है, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट। ठीक है, तो यानी कि इसमें 4 है उसमें 3 है तो यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन अपने पास
कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपको जो है पूछा है जल के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा सर क्या करेंगे सर, बिल्कुल हमें जनरली हम जब लेते हैं तो हम लोग एक मोल का मास लेते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का पूछा है, तो मैं यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर जो है उससे डिवाइड कर देता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे वाटर का हम लोग 18 लेते हैं तो 18 तो एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स का वेट है, अगर मुझे एक ही मॉलिक्यूल का पूछा है तो मैं उसका मास निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड दे दूंगा। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर अपन बोलते हैं कि मोलर मास जो वाटर का है, मोलर मास ये होता है कितना, 18 ग्राम। ठीक है, तो भैया जो मोलर मास होता है ना वो एक्चुअल में अवोगाड्रो नंबर, यानी कि जिसको हम Na बोलते हैं 6.022 × 10³। अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल है वाटर के तो उनका मास 18 ग्राम होगा। आपको एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ठीक है, देन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी 18 / Na। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। अब आपको डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी जो है वो कितनी है, डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है। कहने का मतलब है कि 1 ml का मास जो है वो 1 ग्राम है, है ना? तो आप सोचो जरा कि मेरे पास इतने ग्राम है, या 1 ग्राम का वॉल्यूम 1 ml है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो भैया वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मेरे पास निकल के आ जाएगा कितना, 18 / Na ml, इतना वॉल्यूम जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब Na की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 3 × 10⁻²⁷ ml। यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है कि 1 ml जो है वो 1 cm³ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 1 ml 1 cm³ के बराबर होता है, या इसको जो है वो cc से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट और मुझे यहाँ पे सर दिखाई दे रहा है। जी सर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला 18 ग्राम, और अगर मुझसे एक मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो मैं वहाँ पे एक EMU वर्ड जो है वो AMU, हाँ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर मुझे डायरेक्टली दे रखा है तो मैं एक मॉलिक्यूल का जब मास पूछे तो मैं 18 AMU लिख सकता हूँ। 1 AMU इज इक्वल टू, हम बोलते हैं कितना होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻²। तो आप चाहे उसको ग्राम में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि ये जो डिजिट हमने 0.1 तक, वही सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात आ गई वापस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास थ्रू ए रेड हॉट कॉक, द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर्स एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, द कंपोजिशन इज प्रोडक्ट्स। तो सर मतलब हमें ये दे रखा है कि CO2 गैस है अपने पास में। ठीक है, CO2 गैस है और उसको हम लोग जो है कार्बन, रेड हॉट कॉक मतलब कार्बन सॉलिड लेते हैं, बिल्कुल इससे पास करवाया तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे गैस बनेगी। ठीक है, गैस बनेगी। सर इनिशियली हमें दे रखा है कि CO2 का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। जो वॉल्यूम होता है ना उसको आप मोल की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूमिक रेशियो और मोल का रेशियो जो है हमेशा सेम ही होता है। तो इसका 1 लीटर दिया, ये तो सॉलिड है इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो है वो t = 0 पर इनिशियली 0 रहेगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगी, इसका वॉल्यूम कम होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कुछ टाइम बाद में मान लो इसका जो है x वॉल्यूम कम हो गया एक में से। ठीक है, इसके 1 से इसका 2 बनता है, तो इसके x से इसका कितना बनेगा, 2x बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री या क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखो, द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब नया जो वॉल्यूम है, यानी ये प्लस ये कितना होना चाहिए, 1.4। बिल्कुल सर, तो 1 - x + 2x = 1.4। यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0.4। तो x की वैल्यू अगर 0.4 आई है तो भैया CO2 जो है ना इसका वॉल्यूम तो आ जाएगा 1 - x बचा है, तो यानी ये तो आ जाएगा 0.6 लीटर, और इसका कितना है सर, 0.8 हो जाएगा। तो ये 2x है तो ये हो जाएगा कितना, 0.8 लीटर। यानी कंपोजिशन जो 1.4 है ना उसमें 0.6 तो अपने पास CO2 है, तो 0.6 तो CO2 का है और 0.8 जो है वो किसका है, CO का है। ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट। ठीक है सर, तो कांसेप्ट इस क्वेश्चन का ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी वॉल्यूम होता है ना उसको आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, या कई बार जो है मोलर रेशियो आपको दिया होता है तो वो वॉल्यूमिक रेशियो की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इक्वली होता है। एक चीज मैं बता देता हूँ, वॉल्यूमिक रेशियो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर रेशियो के, इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन रेशियो के, इक्वल होगा टोटल मोल्स के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर। सपोज दैट ए एंड बी फॉर्म द कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। ओके, इफ 0.5 मोल्स ऑफ B2A3 का हमें 0.5 मोल्स दे रखा है, वेट्स 9 ग्राम,
और आगे फिर दे रखा है कि 0.1 मोल ऑफ B2A वेट 10 ग्राम द एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग कंपाउंड है अपने पास, B2A3 पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एंड सेकंड इज B2A। तो इसका है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है 0.05 मोल का जो मास है वो 9 ग्राम है, और इसके जो है वो 0.1 मोल का मास 10 ग्राम, ठीक है, ये कितना है 10 ग्राम है। तो सर यहाँ मेरे को एक चीज बताइए कि जो मोलिकुलर मास होता है वो कितने मोल का मास होता है? एक मोल का। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनके एक एक मोल का मास निकाल लेते हैं। तो जो है वो इसके 0.05 मोल का मास जो 9 है, तो एक का कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसके मास ऑफ 1 मोल, तो इसका जो है वो मोलर मास अपने पास कितना आएगा? 180। कहने का मतलब है B2A3 जो बनेगा ना, इसका मोलर मास मेरे पास निकल के आया कितना? 180 ग्राम। ऐसे सर B2A का कितना आएगा? 1 मोल का सर 100 हो जाएगा। तो इसका जो है वो 1 मोल का B2A का कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों का मोलर मास आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सिंपल है कि ट्वाइस ऑफ बी जो है 2B प्लस A3 है, तो थ्राइस ऑफ A, इनका जो वेट है मेरे पास में वो 180 है। यानी कि जैसे हम एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपने पास H2 है, तो H2O का आपने कैसे निकाला? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 18। तो बिल्कुल ये इक्वेशन जो है वो हमें यहां पर बना लिया, ठीक है सर। नीचे वाले में B2A के लिए हम लोग देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ए जो है ये हमारे पास में आ जाएगा 100, ठीक है, घटा देते। और यहाँ से अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में ट्वाइस ए जो है वो 40 हो गया, और ए जो है एक मिनट ट्वाइस 80, और यहाँ पे जो ए जो है वो मेरे पास में 40, ठीक है। तो ए का मोलर मास कितना आ गया अपने पास? 40। तो ए का तो 40 एक में दे रखा है, एक में सेकंड दे रखा है, और आप किसी भी एक इक्वेशन में इनमें से जो है वो ए की वैल्यू 40 रख दो, आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड था किससे? मोलर मास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CHN कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। कार्बन इज 40%, हाइड्रोजन 13.33% एंड नाइट्रोजन इज 46.67%। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वुड बी, आपको एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है सर, थोड़ा सा आप एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बता दीजिए। बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि मेरे पास जो भी एटम्स है उनका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा, जैसे कि मैं ग्लूकोज, ठीक है, है ना, ग्लूकोज में क्या लेते हैं हम लोग? C6H12 O6 ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इनमें अगर एटम्स का एकदम सिंपल रेशियो देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं CH2O या फिर C1H21H2O1। तो ये सर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। अच्छा। ऐसे ही में H2O2, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया था H2O2, तो यहां पे अगर इसका मुझे एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो एकदम सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे सिंपल रेशियो, बिल्कुल, मुझे दे रखा है CH3OH, जैसे हम लोग मिथेनॉल कहते हैं, इसे मिथेनॉल कहते हैं, इसको और अगर मैं लिखूं तो इसे CH4O। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है मिथेनॉल का, है, और इंपेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी सिंपल रेशियो में, एकदम सिंपल रेशियो में पहले से। ओके, और आयनिक कंपाउंड के बारे में हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो हमेशा अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर एक बात और बताइए कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों एक दूसरे को एन से रिलेट करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, क्या करें सर? अगर हमारे पास में मास हो, मोलर मास हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम एम्पिरिकल मास निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास कर दूं तो एन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वो एन की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अगर मेरे पास में ग्लूकोज का मास है और CH2O का जो मास है वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा। और एन की वैल्यू को मैं एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमने जो है बेसिक सी बात कर ली टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन का जो भी अपने पास पॉइंट है उसको हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन, कैलकुलेट कैसे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए भैया इनका परसेंटेज कंपोजिशन, कोई भी जो सैंपल है उसका परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे कार्बन का इस क्वेश्चन में 40% दे रखा है, हाइड्रोजन का जो है 13.33% दे रखा है, और नाइट्रोजन का जो है वो आपको 46.67 दे रखा है, ठीक है, ये परसेंटेज दे रखा है। तो ये तो अपने पास मास परसेंटेज है। तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कि जो भी मास परसेंट है ना उसको उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? वो अपने पास में मोल परसेंट बिल्कुल, तो ये जो है वो मास परसेंट को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो ये बेसिकली मोल परसेंट निकल के आएगा, ये 13.33 बाय 1 और ये आ जाएगा 46.67 बाय इसका कितना होता है 14 होता है, ठीक है सर? ये आ जाएगा अपने पास 3.33 के आसपास, ये 13.33 ही आएगा और ये कितना आ जाएगा वो भी 3.33 आ जाएगा। फिर वैसे तो ये मोल का अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको सबसे डिवाइड कर दो ताकि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो आ जाए, एक सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। तो बेसिकली जो है वो यहां 3.33 डिवाइड अगेन बाय 3.33 दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड 13.33 अपॉन 3.33 एंड 3.33 अपॉन 3.33 ये भी कितना आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे ये अपने पास आ जाएगा 4। तो ये ही अपने पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है, तो अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा CH4N, दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ऐसा जो है वो CH4N, ऐसा कोई दे रखा है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। तो भैया ये था अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, सारी बातें हमने कर ली टॉपिक से रिलेटेड, इस पॉइंट से छोटे से पॉइंट से रिलेटेड कि किस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सर। Rearrange the following in the order of increasing mass, मतलब मुझे मास निकालना है, ठीक है? 0.5 mole of O3, तो यहाँ पे तो मतलब O3 का जो molar mass होता है, एक mole का जो mass होता है, वो अपने पास में 48 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर 0.5 mole यानी कि आधा mole दे रखा है, 24 हो जाएगा। कि मोल से आपको क्या करना है, मास निकालना है, तो सीधा सा काम आपको क्या करना है, उसको मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो इसका जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 ग्राम मास आपको दे रखा है, ठीक? अब इस क्वेश्चन में देखना, एक में मोल, एक में ग्राम एटम, एक में मॉलिक्यूल, एक में जो वॉल्यूम, यानी कि कहने का मतलब मोल निकालने के सारे तरीकों को इंक्लूड किया गया है, ये गुरुनीति है। गुरुनीति के हर एक क्वेश्चन में जो है वो आपको क्या मिलेगा भैया, ऐसे ही मल्टी जो मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ताकि आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो आपका। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास 0.5 ग्राम एटम, सर ये बहुत ही जरूरी लाइन है, क्यों सर? ग्राम एटम, ग्राम एटम जो होता है वो भी मोल को ही रिप्रेजेंट, मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं दो लाइनें लिख रहा हूं आपके सामने, एक तो मैं लिख रहा हूं 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? एक तो मैंने ये लाइन लिखी और एक लाइन में लिखता हूं 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या इन लाइनों में सर कोई डिफरेंस है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे सर? दोनों में मास अगर हम निकालें तो देखना जरा, यहां पर 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो जरा कि ग्राम के जस्ट आगे कोई भी पार्टिकल लिखा हो, ग्राम पार्टिकल, ठीक है? और केमिस्ट्री में पार्टिकल का मतलब अपने पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स आयन मॉलिक्यूल, ये सारे केमिस्ट्री के पार्टिकल होते हैं। तो ग्राम के जस्ट आगे कभी भी अगर पार्टिकल लिखा हुआ आए इसका मतलब होता है भैया मोल। तो ये जो है वो इंडिकेट करता है किसको सर? मोल को, मोल को इंडिकेट करता है, ठीक है? तो यानी यहां पर तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, क्यों सर? तो 0.5 मोल का मतलब हो गया 1/2 और एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ये देखो एटम की बात कर रहा है, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कितना आएगा 8 ग्राम, यानी ऊपर वाले में मास कितना है 8 ग्राम, नीचे वाले में देखो 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ग्राम और एटम अलग अलग है, यानी कि हियर यू कैन सी द मास ऑफ द मास इज 0.5 ग्राम, क्यों सर? ऑलरेडी मतलब मुझे मास दे रखा है, यहां पर मास गिवन है 0.5, यहां पर 0.5 है, वहां पर 8 ग्राम है, तो ये डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो है कितना आया था 24 ग्राम और इसमें कितना आया 8 ग्राम आया, 8 ग्राम। अब अगला वाला देखिएगा सर आप, 3.011 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मतलब मुझे एवोगैड्रो नंबर का हाफ दे दिया, एवोगैड्रो नंबर होता है तो वो एक मोल के बराबर होता है और उनका जो मास होता है वो O2 का जो मास होगा जो कि 32 होता है उसके बराबर होता है, लेकिन हाफ दे दिया तो मतलब यहां पे हाफ O2 का मास, मतलब आधा मोल का मास जो है वो कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो इसमें 16 ग्राम है और 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। सर इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि कोई भी गैस एसटीपी पर हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है अगर उसका एक मोल अपने पास है तो, ठीक है? तो अगर यहां पर पहले मैं मोल निकालूं तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 करूंगा, क्यों सर? बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 मोल आ जाएगा। तो अब मास मेरे को निकालना, तो वैसा कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था कि मोल से मास निकालना, तो आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू CO2 का कितना होता है 44 होता है, तो ये कितना आ जाएगा सर 11 ग्राम।
तो इसमें जो कितना है 11 ग्राम है। तो अब आपको क्या करना है, मास के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे ज्यादा जो है कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड वाला हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, सबसे कम सेकंड वाला, ऐसा कोई ऑप्शन जो हो अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना तो सही किया अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सर। कंसंट्रेटेड 63% HNO3 बाय मास हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर ml, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.20 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन यहाँ पे एक तरीके से कंबाइन करके दो कांसेप्ट, वही मिक्स कांसेप्ट का क्वेश्चन है अपनी गुरुनीति का। ये बहुत ही आप कह सकते हो यूनिक पॉइंट है, हमने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं ना वो सारे इसी तरीके से सिलेक्ट करे हैं ताकि एक गागर में सागर बनने वाली बात है। क्यों सर? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक तो ये दे रखा है कि HNO3 इनिशियली मुझे दे रखा है 63% उसका मास है, डेंसिटी मुझे दे रखी है, मतलब मुझे डायरेक्टली उसकी मोलैरिटी नहीं दे रखी, मुझे मोलैरिटी उसकी कैलकुलेट करनी। ओके, और उसका कितना ml, उसी सॉल्यूशन का मैं कितना ml लूं कि मुझे 250 ml ऑफ 1.20 मोलर HNO3 का सॉल्यूशन मिल जाए। इस तरीके से डाइल्यूशन का कांसेप्ट दे रखा है। क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको ये बोल रखा है, मैं अगर इसको एक एक चीज पॉइंट खोल के लिखूं, 63% HNO3 का कोई सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, अब इसका कुछ मास होगा, इस सॉल्यूशन से आपको क्या बनाना है, आपको जो है वो 250 ml और 1.2 मोलर HNO3 बनाना है। ठीक है, आपको बोल रहा है 63% HNO3 पूरे सॉल्यूशन का ये बनाने के लिए कितना मास चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहां से इसमें कितना HNO3 है आप ये निकाल लो। देखिएगा कैसे निकालूंगा, तो भैया मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम बोलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, अगर ml में लेते तो ऊपर 1000 लगाते हैं सर। ठीक है, तो आपको इसमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 1.20 अपॉन HNO3 का मोलर मास कितना 63 होता है और वॉल्यूम कितना 250, और ये x मेरे पास यहां से निकल के आ जाएगा ये 4 times। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो आगे जाके अपने आप कैंसिल हो जाएगी 63, और इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से, 63 डिवाइड बाय 4 ग्राम। अब देखो जरा, यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमें दिया है ना, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें HNO3 कितना है, इसमें HNO3 जो है वो इतना है, प्योर HNO3 इतना है। लेकिन आपको ये मास नहीं पूछा, इसको सॉल्व करोगे ये आंसर नहीं अपना, आपको तो ये पूछा है कि भैया इस 63% HNO3 सॉल्यूशन का कितना मास मेरे को चाहिए। ठीक है, इसका कितना चाहिए, और इसकी डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसका जो है वो आपको पूछा क्या है, कितने मिलीलीटर, आपको इसका जो वॉल्यूम पूछा है, मास भी नहीं पूछा। तो देखिएगा आप सोचो जरा कि 63% HNO3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 63 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है वो अपने पास W by W है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि ये W by W है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको हिंट दूंगा क्योंकि इसने डेंसिटी दे रखी है। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हिंट मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 63% HNO3 का मतलब है 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है ना तो उसमें 63 ग्राम HNO3। ठीक है, वैसे भी मुझे दे रखा है बाई मास दे रखा है। ओके, इसमें दे भी रखा है बाई मास। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो 100 ग्राम में HNO3 कितना, 63, और मुझे HNO3 का कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि कितने सॉल्यूशन में इतना HNO3 प्रेजेंट होगा। क्यों सर यही करें? ठीक है, तो 100 ग्राम में जो है वो कितना है, या 63 ग्राम HNO3 जो है वो कितने ग्राम में, 100 में, तो 1 ग्राम HNO3 कितने में होगा सर, 100/63, तो मेरे को इतना ग्राम HNO3 चाहिए, तो इतना ग्राम HNO3 जो है वो कितने में होगा, तो 100/63 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.20 इंटू 63/4, ये हुआ कैंसिल। ठीक है, और ये कितना आ गया, 120/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30 ग्राम। ठीक है, तो 30 ग्राम जो है उस सॉल्यूशन का आपको मास चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखिएगा जरा मैंने क्या चीज कैलकुलेट करी है, कि इसका मेरे पास अगर 30 ग्राम होगा, ठीक है, तो आप जो इसके 30 ग्राम से ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है,
अब आपको तो इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास कितना दे दिया 30 और डेंसिटी कितनी है 1.4, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वो निकल के आएगा 21.42 ml। अगर हम लोग डायरेक्टली जो है यहाँ से मोलैरिटी निकाल लें, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो मुझे मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो मैं यहाँ से मोलैरिटी निकाल लूँ, और मोलैरिटी जो होती है m1v1 इट वुड बी इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम है वही मुझसे पूछा है, m1v1 = m2v2, मतलब मैं यहाँ पे अगर मोलैरिटी निकालू तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 63% है अपॉन 63, ये है इनटू 1000 इनटू इसका परसेंट, डेंसिटी मुझे दे रखी 1.4, वॉल्यूम मुझे इसका जो है, क्योंकि हम लोग ये 63% ले रहे हैं तो ये 100 में मान के चला तभी हम लोगों ने ये किया, इनटू v1 = 250 इनटू 1.20। यहां से मैं डायरेक्टली जो v है वो कैलकुलेट करूंगा, जो भी है आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी तरीका आपको पसंद आया आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये मोल कांसेप्ट है, वही बात है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl आर मिक्स्ड इन वॉल्यूमिक रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जरा HCl विलयन की फाइनल आपको मोलरता पूछे, तो केस ऑफ डाइल्यूशन के जैसा है या मिक्सिंग का कांसेप्ट है, सो मिक्सिंग के केस में हम बोलते हैं m = m1v1 + m2v2 / v1 + v2, ये करेंगे। तो यहां पर एक तो 1 मोलर है तो मोलरिटी 1 है, अब जो वॉल्यूमिक रेशियो दे रखा है इसी को आप एज ए वॉल्यूम काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये 1 है और इसका कितना है 4 प्लस सेकंड वाले का 2 है और इसका कितना है 1 डिवाइड बाय टोटल कितना आ जाएगा सर 5, तो ऊपर आया 6/5 1.2, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 1.2, सीधा सा क्वेश्चन मोलरिटी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ CaCO3, ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज 200 ppm CaCO3, थस मास परसेंटेज ऑफ CaCO3। बहुत ही मतलब अगर मैं डायरेक्टली अगर देखूं तो पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि मुझे ये दे रखा है ppm का मतलब होता है कि 10^6 मिलियन जो होता है, कोई चीज 10 की घात जैसे परसेंटेज होता है, तो 100 में से कोई चीज कितनी है वो परसेंटेज, तो ppm का मतलब कोई चीज 10 लाख में से कितनी है वो ppm, 1 मिलियन में कितनी, ठीक है। अगर यहाँ पे ppb भी यूज ले लेते हैं, ppb होता तो 10^9 हो जाता, 10^9 तो बिलियन में कितना है, तो मतलब मुझे 10^6 जो है उसमें दे रखा है कि 200 CaCO3 है, तो 100 मास परसेंटेज में पूछे तो 100 में कितना है x, ओके ये कैलकुलेट कर लेंगे वही अपना आंसर होगा। या फिर अगर आप जो है वो देखें कि ppm में जब भी आपको कंसंट्रेशन निकालनी होती है, ठीक है, तो ये होती है अपने पास या तो w/w × 10^6 ले सकते हैं, या फिर इसको कई बार हमें w/v भी लेना पड़ता है, w/v × 10^6 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास ppm कंसंट्रेशन होती है। तो अब इसने क्या बोला है, इसने आपको ये बोला, देखो जरा कि ppm देर का कितना 200 ppm, ठीक है, और मास परसेंटेज यानी कि w/w ही पूछा है, तो w/w यहां से कितना आ जाएगा 200/10^6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो है वो कितना आ जाएगा सर, अपने पास 0.02%, ठीक है। ये परसेंट में जो है वो निकालने के लिए आपको इसको परसेंटेज का मतलब है कि हम लोगों ने 100 में से कितना निकाला है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What amount of calcium carbonate required to produce 11.2 liters CO2 on decomposition at NTP if sample of calcium carbonate is 60% pure? यानी कि जितना है उसमें 60% ही अपने पास actual reactant है। एक तरीके से अगर हम लोगों ने अगर 100 ग्राम लिया है, ठीक है, तो उसमें केवल 60 ग्राम ही calcium carbonate होगा। Other impurities present है। तो reaction अपने पास कुछ इस तरीके से है, CaCO3 गरम किया तो अपने पास CaO और ये CO2 बना। आपको गिवन है CO2 का 11.2 लीटर वॉल्यूम बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए जो इसके मोल कितने आ गए, डिवाइड कर देता हूं 22.4 से, इसका हाफ मोल बनना चाहिए। और क्योंकि स्टोइकोमेट्री आपको ये कह रही कि भैया देखो एक मोल CO2 जो है वो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा, ठीक है, तो इसका आधा मोल इसके आधे मोल से बनना चाहिए, यानी कि जो सैंपल में एक्चुअल मास है ना, एक्चुअल मास ऑफ CaCO3
ये अपने पास कितना होगा 1/2 इनटू इसका मोलर मास कितना 100 50 ग्राम CaCO3 अगर अपने पास एक्चुअल में होगा ठीक है तो जो है वो अपने पास 11.2 लीटर CO2 NTP पर बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो 50 ग्राम नहीं है, आपको सैंपल का मास पूछा है क्यों सर, तो परसेंटेज प्योरिटी इंप्योर सैंपल पूछा। परसेंटेज प्योरिटी निकालने का जो तरीका है वो अपने पास ये होता है, नीचे तो आता है टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल जो कि हमें पूछा है ठीक है, और इसमें से एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है, जैसे हम लोग जीटी की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल वही तरीका वैसे ही फॉर्मूला ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, और जो है वो अपने को जो है वो क्या निकालना है, यहाँ से टोटल मास निकालना है, टोटल मास तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं, टोटल मास इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, एक्चुअल मास 50/60 इनटू 100 ठीक है, तो ये अपने पास कितना निकल के आएगा सर 83.3 तो 83.33% ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ये है भैया परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, पहले भी अपन ने इसके बारे में बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा सर। A 7.66 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब H2 जब हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जुड़ा हुआ है प्रेजेंट होता है तो उसे हाइड्रेटेड कहते हैं, फॉर्म्स 4.06 ऑफ एनहाइड्रस Na2SO4 और मतलब इसे जरूर हीट किया होगा, अच्छा। जो भी क्रिस्टलाइन वाटर है वो वेपराइज हो गया, वेपराइज हो गया ठीक है। What is the value of x? मतलब ये जो x की value है ये हमें determine करनी है। Okay. तो simple है। Percentage निकाल लेते हैं। Percentage एक तरीके से calculate कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा इसमें क्या करेंगे? आपको जो है वो ऐसा दे रखा है कि total mass sample का कितना है? 0.7.66 ग्राम जो है वो मेरे पास Na2SO4.xH2 है। और इसको कर दिया heat। Heat तो इसको heat करूंगा तो केवल क्या बचेगा? Na2SO4+XH2। तो अब इसमें जो है ना क्या बोल रहा है 4.06 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2SO4 यानी इसका बना 4.06 जो डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से, मतलब 3.6 ग्राम मेरे पास में यहाँ पे वाटर, वाटर का अमाउंट इसमें आ गया कितना 3.6 ग्राम ठीक है। तो अब जो है वो यानी कि अगर आप 7.66 में वाटर का परसेंटेज देखें तो अपने पास कितना आ जाएगा 7.66 और वाटर का परसेंटेज 3.6 इनटू 100 ये वाटर का परसेंटेज है क्यों सर, बिल्कुल। अब अगर मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग आप वाटर के परसेंटेज पर जाओगे तो देखिएगा जरा कि टोटल अपने पास इसका मोलर मास कैसे निकालूंगा, तो 46 तो हो गया सोडियम का प्लस इसके साथ 96 हो गया सल्फेट का प्लस एक वाटर का 18 तो x है तो 18x और इसमें से वाटर का कितना है 18x एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 ये अपने पास वाटर का परसेंटेज मोलर मास के अकॉर्डिंग, ये अपने पास इस सैंपल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड ठीक है सर। एक और मतलब मैं जो सिंपल ये कहता हूँ कि सर मोल कंसेप्ट जो होता है ना उसमें बस एक जो बनिया होता है ना उसका दिमाग होना, क्या बात कैसे सर, बहुत ही सिंपल की कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कि 1 रुपए की इतनी चीज आ जाए 10 रुपए की कितनी, बिल्कुल इस तरीके के एक एक नियम से हम यूनिट लॉ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हम लोग, तो सिंपल सा ये बोलते हैं कि मेरे पास में 4.06 ग्राम के साथ में 3.6 वाटर जुड़ा ठीक है, है ना, Na2SO4 का मुझे ये दे रखा है 142 ठीक है, तो 142 के साथ में कितना जुड़ा हुआ होगा x होगा, बिल्कुल। यहाँ से मैं अगर x को निकालूं तो मेरे पास वाटर का वेट आ जाएगा 126, बिल्कुल। और एक मोल डिवाइड कर देते हैं 18 होता है, तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 7 तो सोचने की बात है, आप जो एग्जाम में एग्जाम के उस प्रेशर में किस तरीके से अपना दिमाग लगाते हो, किस तरह से अपने अप्रोच बढ़ाते हो ठीक है, कैसे भी हो ठीक है, अगर लास्ट में जो आपको लगे क्वेश्चन कर सकते हो तो ट्राई जरूर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय ज़ेल्डोल मेथड, सर ज़ेल्डोल मेथड जो है ये काफी परेशान करता है, मतलब नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम में लेते हैं, ज़ेल्डोल हो गया ड्यूमाज़ हो गया दोनों मेथड काम में ले जाते हैं। पहले अपन ज़ेल्डोल मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्यों सर, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ज़ेल्डोल मेथड को हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो इसमें होता है क्या है, थोड़ा सा लंबा मेथड होता है, इसमें हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, क्या करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, इसका मास आपको हमेशा गिवन होगा, ज्यादातर केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जो है वो गिवन होता है, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछता है, मास गिवन होगा,
इसमें जो है वो नाइट्रोजन है और उसकी सारी की सारी नाइट्रोजन को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से नाइट्रोजन जितनी भी मिलेगी उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि भैया इसमें जितनी भी नाइट्रोजन थी अमोनिया में इसको कन्वर्ट किया। इस अमोनिया को क्या करते हैं सर, इस अमोनिया को जो है वो एक स्टैंडर्ड एसिड के सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। ये अमोनिया जो है अपने पास बेसिक नेचर का होता है तो इसको जो है वो एसिड के सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। HCl या H2SO4 होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, जनरली जो है वो HCl लेते हैं या फिर H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो इस एसिड की खास बात यह है कि इसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम हमें पता होता है, ठीक है। फिर देखो अब कई बार इसी क्वेश्चन में दो तरीके की लैंग्वेज बनती है, या तो क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर देगा, ठीक है, या फिर आपको ये बोलेगा कि यहां पर कुछ एक्सेसिव एसिड बच गया और उस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, बेस का कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाता है, नॉर्मली NaOH या KOH होता है, ठीक है। तो आप देखना जरा ये इतना काम करते हैं, सीधा सा काम ये है कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने होते हैं सबके, और इसमें जो परसेंटेज नाइट्रोजन निकाला जाता है वो अपने पास ये होता है, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करूं तो 1.4 × और यहां पर आता है अपने पास मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और ये वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है जो यहां अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है ये पॉइंट, ठीक है, कि कई बार रिएक्शन जब यहां पर कंप्लीट हो जाती है आगे NaOH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में तो जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपको यहां पर दिए वही काम में लेने, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ मिलीग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया ने न्यूट्रलाइज कर दिए और कुछ मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसने न्यूट्रलाइज कर दिए, तो जो टोटल आपको दिए थे उसमें से इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट माइनस करके बाद में यहां पर काम में लेना, ये चीज ध्यान में रखना। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। फिर जो वो नीचे हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल, ये करेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास जो डुमास, ये जो ज़ेल्डोल मेथड है, इससे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का तरीका आ गया। एक और कि यहाँ पे ऐसा है, मतलब पढ़ा है हम लोगों ने कि हर किसी कंपाउंड को नहीं लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस है इसकी, तो आप सर बताइएगा कि किस तरह के कंपाउंड के साथ ये हम काम में नहीं ले सकते। जनरली जो है नाइट्रो कंपाउंड, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, उनको हम लोग एस्टिमेशन के लिए काम में नहीं लेते, मतलब जिनमें जो है नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में होता है या NO के फॉर्म में होता है या डाइएजो के फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में होता है, तो उनमें काम में, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में N2 के फॉर्म में वो बाहर निकल सकते, वो अमोनिया नहीं, वो अमोनिया नहीं बनाते हैं N2, ये तो जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, अपन पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो भैया इस केस में हम काम में नहीं लेते, एरोमेटिक हो मतलब रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन अगर जैसे पीरडी उसे काम, नाइट्रोजन जो है वो अगर रिंग का पार्ट होता ना तो वहां पर भी अपन जो है ये काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर जो है उसको अमोनिया में बदलना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। पायरोल, ये पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, ठीक है, इनमें जो है वो हम ये काम में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में ये एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आपको ऑर्गेनिक सैंपल का मास दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है 1.4, फिर जो है वो आपको ज़ेल्डोल मेथड और इसको जो वो अमोनिया में डायरेक्टली अमोनिया बदल दिया, कैसे बदला इससे हमें मतलब नहीं है। वास एब्जॉर्ब 60 ml, देखो जरा सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट मैं पहले निकाल लेता हूं, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है क्यों सर, तो इसके लिए जो है वो नॉर्मलिटी आ जाएगी 1/10, ये तो मोलरिटी है, वैलेंस फैक्टर इसका 2 और ये 60, तो ये आएंगे 12 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि शुरू में टेस्ट ट्यूब में 12 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हमने ली, फिर इसमें अमोनिया पास करवाई तो 12 में से कुछ न्यूट्रलाइज हो गए और कुछ एक्सेस में बच गए, जो एक्सेस में बचे उसके लिए क्या कहता है कि द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 20 ml m/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जो बचा हुआ था हाँ, तो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आपको इतना जो है वो NaOH की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको जो है वो क्या करूंगा, यानी कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये कितने आएंगे भैया जी, ये मेरे पास निकल के आएंगे भैया 1/10, वैलेंस फैक्टर इसका 1 ही होता है, × 20, ये आ गए कितने 2, ठीक है। अब सोचो जरा कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट तो एसिड के NaOH ने न्यूट्रलाइज किए, अमोनिया ने कितने न्यूट्रलाइज करे होंगे भैया 10, तो यहां से 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट जो है ना वो अमोनिया ने न्यूट्रलाइज करे, और जितने अमोनिया ने न्यूट्रलाइज करे हैं वही हम जो है वो काम में लेंगे, वही हम यहां पर काम में लेंगे परसेंटेज नाइट्रोजन, तो 1.4 × अमोनिया ने 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज किया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 1.4, देन द परसेंटेज विल बी 10%, क्यों सर, बिल्कुल ये करेंगे। तो ये है भैया अपने पास ज़ेल्डोल का, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट।
तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जेल्डोल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जेल्डोल हो गया, डूमा हो गया, केरियस मेथड हो गया, लिबिग मेथड हो गया, ये सारे के सारे जो है वो तत्वों के आकलन की विधियां है, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के मेथड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Penicillin N is an antibacterial agent that contains 8.92% sulfur by mass. What value could be the molar mass of penicillin N? ठीक है, तो आपको penicillin N का molecular mass पूछा। Actual में ये जो है वो percentage composition का question है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि भैया भार के अनुसार 8.92% उसमें सल्फर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कम से कम ये मान के चलते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल होगा वहां पर कम से कम एक तो एटम होगा ही होगा, एक से कम आधा पूर्ण पावर एटम तो पॉसिबल है नहीं। और कई बार अगर ज्यादा होता है तो वो हमें फिर बोल देता है, फिर वो हमें बोल देता है कि इसमें जो एक मॉलिक्यूल में इतने सल्फर के एटम है। जो है इसमें अपन को मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें पेनिसिलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हम निकाल सकते हैं। देखो जरा कि जैसे H2O है, यहां पर आपको बोल दिया कि भैया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना सर 18, इसमें से जो है वो ऑक्सीजन का कितना है 16 और एक ही एटम है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अपने पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मान लो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है m है। ठीक है, अब m में से सल्फर जो है वो कितना दे रखा है 8.92% दे रखा है। ठीक है, अब एक अगर इसमें सल्फर है तो एक सल्फर का कितना होता है 32 × 1 = 100 × 100 और ये परसेंटेज किसके बराबर होना चाहिए सर 8.92 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो वो मैं m निकालूंगा तो m कितना आ जाएगा 3200/8.92 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 360 ग्राम पर मोल। तो ये अपने पास पेनिसिलिन का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। यहाँ भी मैं वही जो कहा था बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हमें बोला है कि कम से कम एक सल्फर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है ना, तो एक सल्फर का वेट 32, ठीक है। तो जब 32 है तो उसका जो भी मोलर मास है वो मुझे डिटरमाइन करना है और मुझे 8.92 दे रखा है, मतलब सल्फर, इधर सल्फर का ले रहा हूँ इधर पेनिसिलिन, तो अगर 8.92 ग्राम है तो ये पेनिसिलिन 100 में 8.92 सल्फर है, ठीक है। तो एक सल्फर के लिए 32 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कितना होगा x निकालो, वही अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 49.3% कार्बन है 6.84% हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 73 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। सर क्वेश्चन जो है वो सेम कांसेप्ट का जो अभी अपन ने एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेट किया था, बस वहां पे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, यहां पे वो जो अपन ने n की बात करी थी ना वो कांसेप्ट यहां पर काम में आएगा। तो एक काम करो, आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो कार्बन है अपने पास, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन चीजें अपने पास है। कार्बन का जो परसेंटेज दिया है वो कितना है सर 49.3% है और जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.84% है, तो जो बच गया है वो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का नहीं दे रखा तो ऑक्सीजन का माइनस कर लिया हो जाएगा 43.86% के आसपास हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया। तो अब सबसे पहले एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 49.3/12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4.10, ठीक है। 6.84 एंड डिवाइड बाय 1 तो ये कितना आएगा 6.84 ही आएगा और 43.86 और इसको अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2.74 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो अब इनमें से जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं ताकि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। तो 4.1 डिवाइड बाय 2.74 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भैया अपने पास 1.5 एप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल। और अगर यहाँ पर 6.84 डिवाइड बाय 2.74 इसको करोगे तो ये 2.5 आएगा और ये तो कितना आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखना, अगर मान लो यहाँ पर 1.8 होता, यहाँ पर मान लो 2.2 होता, तब तो हम नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते। हाँ, लेकिन अब ये 1.5 आ रहा है, जब 0.5 का फिगर आए तो इसको आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना पूरे, क्योंकि हमें तो एक सिंपलेस्ट रेशियो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा सर 5 और ये सर 2 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया C3H5 ओके O2। तो यहां से जो है वो आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक और कांसेप्ट देर का वेपर डेंसिटी जो हम पहले समझ चुके हैं, तो इसकी वेपर डेंसिटी 73 है तो मोलर मास कितना आ जाएगा 146
146 आ जाएगा। तो आप n की वैल्यू यहां पर निकालते हैं, देखिएगा जरा, इसका भी हम लोग एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल मास निकालेंगे तो तीन कार्बन है हमारे पास, तो 12 × 3 5 × 1 + 16 × 2 ये सॉल्व करूंगा तो ये 73 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो 73 है एम्पिरिकल मास, और अपने पास मॉलिक्यूलर मास 146 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 146 डिवाइडेड बाय 73 यानी कि 2। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C6H10O4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये है भैया एम्पिरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। ओके, देन हमें दे रखा है कि 2 मोल्स ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ HCl टू फॉर्म 11.2 लीटर Cl2 एट HTP, हेंस परसेंटेज यील्ड ऑफ Cl2, अगेन परसेंटेज यील्ड का है। ठीक है, तो MnO2 4HCl is converting into MnCl2 2H2O और ये Cl2, ये रिएक्शन दे रखी है और हमें ये बोल रखा है कि 2 मोल MnO2 जो है वो 4 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, इसके 2 मोल इसके 4 मोल, कोई इसमें एक चीज और है, लिमिटिंग रिएजेंट का असर भी चेक करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए मैं क्या करूं सर, सबसे पहले गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगेन गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये तो आया 2 और ये कितना आया 1। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो भी क्लोरीन का प्रोडक्ट जो भी बनेगा ना वो HCl के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, यानी कि इसके 4 के 4 मोल जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे और हम देख रहे हैं इसके 4 मोल से जो है वो अपने को 1 मोल जो है वो क्लोरीन मिल रही है। ठीक है, 4 मोल से 1 मोल क्लोरीन मिल रही है और 1 मोल क्लोरीन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, एसटीपी 22.4 लीटर, यानी कि क्लोरीन जो है ना वो कितनी मिल रही है 22.4 लीटर मिलनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ने बोल रखा है 11.2 मिली, यानी जितना आपने सोचा था उसका 50% ही मिला, यानी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी सर, 50% हो गई। तो ये है भैया अपनी जो है वो गुरुनीति फर्स्ट जो केमिस्ट्री का है 1/45, इसमें हमने जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट के एक तरीके से आधा पार्ट कवर किया है, आधा पार्ट अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी इसका सेकंड पार्ट 2/45 में हम बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट बच गए उनको हम कवर करेंगे, उसमें भी तकरीबन 20-22 क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन तो गुरुनीति के बारे में बनती है, बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल बोलिए वही कि मेनली कि बच्चों इनको आप अपना सारा रिवीजन अगर आपको करना है, आप अगर लिमिटेड टाइम में नीट के लिए एक अच्छा रिवीजन कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं गुरुनीति से बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, और सीएलसी की गुरुनीति जो है इसमें आप जो है वो अगर ढंग से कर लोगे तो नीट से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाना, 180/180 आपको हर एक गुरुनीति इसमें देखनी है। ठीक है, एक गुरु द्वारा जी रण में दिया हुआ बाण है गुरु, क्या बात है वाह सर। ठीक है, तो गुरुनीति नेक्स्ट अपन मिलते हैं 2/45 में, यहां से कंटिन्यू करेंगे 2/45 में, और चैनल को जो है वो आपको सब्सक्राइब करना ही है और इसके साथ बेल आइकन भी दबाना है ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, थैंक यू।